कि करप्शन जो नेता या जिसकी भी सत्ता हो जिसके राज्य में वहाँ करप्शन नहीं होता है उसको वोट कीजिए। वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा क्रिएट करने की जरूरत है। आप चिरंजीवी योजना देख लीजिए, गरीबों के लिए राशन की योजना देख लीजिए, 8 रुपये में एक गरीब आदमी को खाना मिल रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर जॉब के अकॉर्डिंग देखा तो अभी काफ़ी सारी वैकेंसी धीरे धीरे निकाले जा रहे हैं। न तो मुंबई की मरीन ड्राइव है और ना ही हैदराबाद की नेकलेस रोड। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ वो है उदयपुर की फतेह सागर झील। मैं दिखाऊंगा आपको पीछे मेरे झील का नज़ारा, आप देखिए शाम का वक्त है, यहाँ पर फतेह सागर झील है और लोग आते हैं, पिकनिक स्पॉट है यहाँ पर। एक तरफ झील, लाइटें आप देख रहे हैं, सामने पहाड़ी भी आपको दिखाई दे रही होगी। पहाड़ी पर बताया जा रहा है वहाँ पर सज्जनगढ़ है, जू वगैरह वहाँ पर है, और इसके उल्टी तरफ वो पहाड़ी में यहाँ से आपको दिखा नहीं सकता, वहाँ पर मोती मंगरी है जहाँ पर महाराणा प्रताप जी का प्रतिमा वहाँ पर लगी हुई है। लोग जाते हैं पहाड़ी पर वो सब देखने, जू पर भी जाते हैं। और एक तरफ झील का ये तट है और दूसरी तरफ चौपाटी, चौपाटी में यहाँ पर लोग आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, खाते पीते हैं। और TV9 राजस्थान की चुनावी कवरेज यात्रा है, कौन जीत रहा है यहाँ पर घूमेंगे, जानेंगे सभी लोगों से थोड़ा मिजाज, क्या क्या करने आए हैं, क्या कुछ मौज मस्ती यहाँ पर चल रही है, साथ साथ चुनावों की भी कुछ बात कर लेंगे। मेरे साथ मेरे जो स्थानीय सहयोगी हैं राजेश डांगी, वो भी यहाँ पर मौजूद है, थोड़ी चर्चा उनसे भी कर लें, वही यहाँ पर लेकर आए कि चलिए थोड़ा आप चुनावी कवरेज कर रहे थे, थोड़ा घूम भी लीजिए। हमने कहा चलो देख लेते हैं, क्योंकि झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। 7 झीलें यहाँ पर हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, फतेह सागर हो गई जी, उदय सागर, बहुत सारे जय समंद है, गोर्धन सागर है, मतलब ऐसे करके स्वरूप सागर हुआ, पिछोला हुआ, ये झीलों एक और जिस तरह से इनको बनाया गया है, कहें तो एक अलग ही अंदाज के रूप में बनाया गया, जो लोग यहाँ आते हैं तो इन पिज़्ज़ाओं को देखकर इनमें ही मग जाते हैं, मतलब कहें तो। यहाँ तो लोग का काफ़ी भीड़ रहती होगी, भीड़, दीपावली का सीज़न शुरू हो गया है। हाँ। हर समय मतलब देखिए, दिन में हो या रात हो, यहाँ भीड़ 24 घंटे यहाँ पर इसी तरह देखने को मिलती है। रात को 12 बजे 1 बजे भी लोग यहाँ पर घूमते हुए दिखाई देते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के समय भी यहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है, मतलब कहें तो एक टूरिस्ट फुटबॉल के साथ 24 घंटे इस तरह का नज़ारा इस उदयपुर में इसको यहाँ पर देखने। बोटिंग वगैरह मैं देख रहा हूँ, बोट वगैरह वहाँ पर खूब है, बिल्कुल यहाँ पर शुरू होती है, सुबह शुरू होती है, जो अभी अंधेरा हो चुका फिलहाल यहाँ भी शुरू नहीं, बाकी बोटिंग में जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर खूब घूमते हुए दिखाई देते हैं। उदयपुर ही राजस्थान ही नहीं, बात करें गुजरात हो, MP हो, और विदेशी टूरिस्ट भी यहाँ पर काफ़ी घूमते हुए दिखाई देते हैं। चलिए थोड़ा सा नज़ारा और दिखाएं और थोड़ा सा लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा थोड़ा सा आगे आएँ, और चूँकि लोग बैठे हुए हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या कहाँ से आए हैं और किस तरह का यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं, साथ साथ चुनावी मिजाज की भी बात होगी उदयपुर की। भाई साहब नमस्कार, क्या क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वसीम है। वसीम यहीं के हैं, स्थानीय हैं या बाहर से आए हैं? बिल्कुल प्रॉपर उदयपुर, प्रॉपर उदयपुर से हैं, तो ये पिकनिक वगैरह मनाने शाम को आ जाते हैं यहाँ पर अक्सर? बिल्कुल डेली डेली। अच्छा अच्छा, चलिए तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि ठंडा तो यहाँ पर लग रहा है, मौसम ठंडा शाम के वक्त है, चुनावी मिजाज शहर का कैसा है इस बार? चुनाव बहुत अच्छा होएगा इस बार जी, लेकिन BJP एज पे, ताराचंद जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। ताराचंद जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो पूरा जो उनका नेशनल फेस है, प्रवक्ता पार्टी के रहे हैं, उनको मैदान में उतार दिया। सर वो राष्ट्र प्रवक्ता है और यहाँ पे स्थानीय नेता की ज़रूरत है, अभी भी उनका टिकट फाइनल हुआ, फिर वो फ्लाइट लेके फिर उदयपुर आए। अच्छा, और ताराचंद जी यहाँ से ही है पूरे सेक्टर से, और उन्होंने अभी भी नगर निगम निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे, वो काफ़ी काम करवाया। लोकल कैंडिडेट की मांग है यहाँ पर, लोकल कैंडिडेट की मांग है और काफ़ी काम करवाया। अच्छा, आप बताइएगा भाई साहब, नाम क्या आपका? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान, क्या कुछ लग रहा है इस बार? वैसे BJP के चांसेस है, BJP के चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं, एज पर है जैसे उन्होंने कहा। ठीक है, वजह मुद्दे कुछ जानकारी में है कि क्या मुद्दे इस बार होंगे? जी जानकारी में नहीं। अच्छा, आपके लिहाज से क्या हो सकता है? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चलिए उनसे भी बात करते हैं, उस तरफ भी चलेंगे, चौपाटी है, लोग नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, लेकिन कुछ टूरिस्ट वगैरह जो यहाँ पर आए हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर चिराग लोरिया। डॉक्टर चिराग लोरिया। चिराग जी यहीं से हैं, स्थानीय हैं या बाहर से आए? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से आप आए, मैंने सुना कि गुजरात से बड़े लोग आ जाते हैं दिवाली पर, त्योहारों पर। जी
बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा अच्छा, कैसा लगा स्पॉट? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। क्या क्या घूम लिया आपने यहाँ पर? वैसे तो मैं माउंट आबू कुंभलगढ़ होके अभी उदयपुर में दो दिन आया हूँ। अच्छा, अब मेरी ट्रिप कल खत्म होने वाली है। अच्छा, माउंट आबू आप हुआ है? हुआ है। हम भी अब उस तरफ जा रहे हैं क्योंकि उदयपुर चुनावी कवरेज करके सिरोही जिला और माउंट आबू भी हम देखेंगे। क्या कुछ खास है वहाँ पर भी? माउंट आबू तो बहुत घूमने की जगह है। अच्छा, वो हिल स्टेशन ज़्यादातर जिसको अच्छा लगता है वो उसके लिए फेवरेट है। चलिए ठीक है, आपको आप यहाँ पर आए हैं, परिवार के साथ आए हैं, ठीक है। यहाँ चुनावी माहौल से वाकिफ हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं, लेकिन मैं तो इंटरेस्टेड तो रहता हूँ, लेकिन नेशनल जो जितने मुद्दे होते हैं अभी तो आपको पता है कि सब अपने अपने वोट बैंक में पड़े होते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली वोट बैंक की जगह थोड़ा डेवलपमेंट, जिसमें आप गिन सकते हैं शिक्षा, पक्की सड़कें और वो टोल फ्री सड़कें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब एक नया मुद्दा करप्शन भी ऐड कर देना चाहिए कि करप्शन जो नेता या जिसकी भी सत्ता हो जिसके राज्य में वहाँ करप्शन नहीं होता है उसको वोट कीजिए। अच्छा, एग्जांपल ले सकते हैं कि कौन से राज्य में करप्शन कम है या नहीं है, उस पार्टी को भी वोट देना चाहिए। चलिए, करप्शन का एक मुद्दा है, उस पर कहीं ना कहीं मतदान होना चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, गहलोत साहब हैं मुख्यमंत्री इस राज्य के, कैसे चूँकि आप बाहरी राज्य से हैं और लगा हुआ राज्य है, तो गहलोत साहब की छवि बतौर पड़ोसी राज्य के एक नागरिक होने के नाते कैसी है? गहलोत सरकार का एक अच्छा सा कदम मैं बताना चाहूँगा, वो उसने जो पुरानी पेंशन लागू की वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज के समय में जब नेताओं के पेंशन है वो पुरानी पेंशन स्कीम के लागू होते हैं, जबकि कर्मचारियों को वो नया स्कीम दे के वो कर रहे हैं, वो बहुत गलत है सभी राज्यों को। वैसे भाजपा का काम अच्छा है, लेकिन भाजपा को भी अपने जो स्टेट है उसमें पुरानी पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए, वो बहुत अच्छा लगा। चलिए, गुजरात में आप कहाँ से हैं? मोरबी, सिरामिक हब बोलते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए, आपने बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा जो है वाकई जो राजस्थान की राजनीति में और इन चुनावों में काफ़ी ज़्यादा उसको भुनाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, इसका असर हो सकता है क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है बाहरी राज्यों में भी हो रहा है। मैम, आप साथ में, आपका नाम क्या है? निशा। निशा जी, आप होम मेकर हैं या कुछ जॉब वगैरह करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, हाउस वाइफ हैं आप, तो मुझे बताइए आपने यहाँ आए हैं कैसा लग रहा है प्लेस? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो राजनीति वगैरह में इंटरेस्टेड है? नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड। तो फिर भी ओवरऑल नेताओं की बातचीत होती रहती होगी, तो कौन नेता समझ में आता है? अब नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी क्यों अच्छे लगते हैं? वो अच्छे लगते हैं, कोई वजह होगी? गुजरात से और उसके बारे में काफी अच्छे से अपनापन फील होता है। अपनापन होता है और उसका जो है जो सब अच्छे से रहता है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? नहीं, उसके बारे में नहीं आइडिया। नहीं आइडिया है? मोदी के कंपेयर में वो अच्छे नहीं लगते। कंपैरिजन नहीं मैं पूछ रहा हूँ, कंपैरिजन नहीं मैं कर रहा हूँ। राहुल गांधी नहीं अच्छे लगते, मोदी जी अच्छे लगते। युवा हैं, अब देखिए भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने अभी की तो कहा बड़े, लेकिन उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं जानकारी। यहाँ पर आए हैं राजस्थान में, अगर विकास के तौर पर देखा जाए, आप शहर में घूमी होंगी, थोड़ा रूरल इलाकों से भी गुजरे होंगे आप लोग जब रास्ते में होंगे, और अब यहाँ पर आप हैं, तो कैसा लग रहा है ओवरऑल एक्सपीरियंस? नहीं, अच्छा लग रहा है। अच्छा। ये जगह तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एक्सपीरियंस तो अच्छा है यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए, और जैसा भाई जिनसे हम चर्चा कर रहे थे वो बता रहे थे कि OPS का मसला है, कुछ लड़कियाँ पर यहाँ पर बैठी हुई हैं। गुड़िया, कहाँ से हैं आप? उदयपुर से। उदयपुर से ही आप? नाम क्या है आपका? निष्ठा। निष्ठा, निष्ठा क्या करती हैं? कॉलेज में, थर्ड ईयर में। क्या कर रहे हैं कॉलेज में, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बीटेक, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। कौन सा ईयर? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर है, कंप्यूटर साइंस में आप बीटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई वढ़ाई कैसी अभी चल रही है? ठीक चल रही है। ये जो झीलों की नगरी कहा जाता है, आप लोग आते हैं, रेगुलरली आते हैं वीकेंड्स पर? नहीं, मैं इतना नहीं आती हूँ एक्चुअली। नहीं, डरिए मत, वो कोई वीडियो पहुँचेगा पेरेंट्स तक, तो ऐसा नहीं है कि कोई वो फिर कह देगी ऐसा की बोलती। वो बात नहीं, मैं सच में नहीं आती हूँ इतना। नहीं, हाँ। कैसा लगा प्लेस ये? अच्छा, मतलब रहती यही हूँ। अच्छा, आपकी दोस्त बैठी हुई थी, भाग गई वो? हाँ, वो उधर चली गई, कैमरा मैंने में इंटरेस्ट नहीं होता। लड़कियाँ, आजकल का यूथ कैमरा में सेल्फीज लेते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, और वो कह रहे हैं कैमरे में आने में दिक्कत है। सर है, अब क्या करें। अच्छा, पॉलिटिकल थोड़ी जानकारी नहीं, है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल जानकारी नहीं? नहीं नहीं। अब तो चुनाव आ रहा है, यहाँ पर घर में कुछ बातचीत होती होगी? होती है, पर मेरे को मतलब इतना इंटरेस्ट है नहीं पॉलिटिकल चीज़ों में। आई एम फोकसिंग मोर ऑन माय करियर एंड एवरीथिंग। ओके, कुछ ऊपर से कि भाई ये नेता अच्छा है या इसकी नीतियाँ कुछ अच्छी लगती? नहीं नहीं, मेरा कोई ओपिनियन है ही नहीं। ठीक है, ओपिनियन नहीं पूछ रहे हैं, ये बताइएगा एजुकेशन के सेक्टर में
क्या क्या और ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतर हो सकती हैं इंजीनियरिंग चूँकि आप परस्यू कर रही हैं उसके लिहाज से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी थर्ड ईयर आपने बताया थर्ड ईयर क्योंकि अब लास्ट ईयर आपका बचा है उसके बाद आप मास्टर डिग्री हो सकता है इसमें करें लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ क्या उतनी अब आप इसने बहुत कुछ बारीकी से देखा होगा आपने कैंपस प्लेसमेंट और तमाम चीज़ें तो अपॉर्चुनिटीज़ लगती हैं कि वाकई हैं या अभी और अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने की जग अभी है गुंजाइश सर अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने की तो हमेशा गुंजाइश होती है ना बट ऑल्सो लाइक क्योंकि मैं थर्ड ईयर में हूँ तो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ आती है और हम ही नहीं ले पाते हैं तो हाँ मतलब गुंजाइश हमेशा है और प्लस रिसेशन है लोग कहते हैं लाइक मैं फोर्थ ईयर वालों से पूछती हूँ तो बोलते हैं कि थोड़ा इशू है अभी बट ठीक है मतलब वी मेक द बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे उस तरफ भी चलेंगे चौपाटी की तरफ लोग जो हैं वो नाश्ता वगैरह यहाँ पर कर रहे हैं लेकिन कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी थोड़ी सी बातचीत जो है वो करते हैं सर नमस्कार नाम क्या है सर आपका किरीट कुमार लेकिन ये किरीट कुमार आप भी गुजरात से हैं क्या हाँ गुजरात साथ ही में है क्या वो भाई साहब थे वहाँ पर साथ ही में आप लोग हैं नहीं है नहीं नहीं अलग अलग हैं ओके ठीक है ये मेरे लड़के से पूछो ये बताएगा नहीं पहले आप तो बताइए मैं बातचीत करूँ थक गया हूँ अच्छा जगह कैसी लगी आपको बहुत अच्छी जगह लगी चलिए आप थक गए हैं इसलिए थोड़ा परेशान कम करेंगे मैडम आप बताइए आपका नाम क्या है मीरा बेन मीरा जी आप लोग कहाँ से हैं गुजरात भावनगर से भावनगर से हाँ तो भावनगर से आए घूमने के लिए हाँ घूमने के लिए निकले हार का मौसम में ऐसे है तो फिर निकल पड़े वो छुट्टी है ना इसको तो अब यहाँ पे बता रहे कि पीछे महाराणा प्रताप जी की वो प्रतिमा ऊपर पहाड़ के ऊपर लगी हुई है गए वहाँ पर हाँ गए गए वो एक सामने की तरफ बता रहे वहाँ पर जू है देखा वो जू वो गार्डन है वो जू ऊपर जू ठीक है तो ओवरऑल अच्छी लग रही जगह हाँ अच्छी लगी बहुत अच्छी लगी हाँ दिवाली की तैयारियाँ इस बार दिवाली यहीं मनाएंगे यहीं मनाएंगे अच्छा। तो बताइए इस बार राजस्थान में तो चुनाव हो रहा है क्या माहौल लग रहा है मुद्दे कुछ समझ में आते हैं इससे तो हमें कुछ लेना देना नहीं है नहीं है नहीं नहीं अच्छा, अच्छा। महिलाओं के बड़े मुद्दे रहते हैं इस बार तो यहाँ पर बड़ी बातें हो रही हैं महिलाओं को लेकर देखिए इस बार ये कह रही है राजस्थान सरकार की अगर फिर से कांग्रेस पार्टी चुनाव में आती है तो घर की जो महिला मुखिया होगी सालाना उसको 10,000 रुपये देंगे 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात की जा रही है ये तमाम चीज़ें हैं कि राहत पहुँचाने की बात है तो ये एक अच्छे कदम के तौर पर आप देखते हैं हाँ ये देखती हूँ मैं लेकिन उसमें डिप में नहीं जाना चाहते वो इसमें कुछ कहना नहीं चाहते लेकिन अच्छा कदम आप बताएं अच्छा कदम है वो इसे गरीब तबके की महिलाएं जो हैं उनको थोड़ी राहत मिल सकती है हाँ वो सही है क्योंकि कुछ लोग बताते हैं इसको कि देखिए पार्टी के लिए कुछ नहीं कहेंगे हम नहीं एक जनरल वे में बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग इसे कहते हैं कि देखिए फ्री में दे दिया फ्री में रेवड़ी बांट दी इस तरह की चर्चाएं होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो ऐसे कदम सरकारों को उठाते रहना चाहिए ताकि गरीब तबका जो है वो सही है लेकिन चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाम क्या है मनन भट्ट मनन क्या करते हैं आप डिप्लोमा किस चीज़ में डिप्लोमा किया आईटी कर रहा हूँ अभी अच्छा अभी पढ़ाई कर रहे हैं भावनगर गुजरात बीपीटीआई कैसी चल रही है पढ़ाई अच्छी चल रही है पॉलिटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट है नहीं थोड़ा भी नहीं है थोड़ा है इतना बट अच्छा टीवी वगैरह न्यूज़ वगैरह देखते होंगे हाँ कौन सा नेता अच्छा लगता है मोदी किस वजह से उनका अच्छा है वैसे सब अच्छा राहुल गांधी को बताते हैं यूथ आइकन है अभी देखिए पूरा भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की है तो राहुल गांधी ठीक लगते हैं कंपैरेटिवली नहीं पूछ रहा हूँ तुलनात्मक उससे नहीं पूछ रहा हूँ लेकिन कैसे लगते हैं राहुल गांधी सब अपनी जगह सही है आपका नाम क्या है बंसरी जी आप क्या करते हैं मैंने एमकॉम किया हुआ है एमकॉम कर लिया आपने मास्टर्स डिग्री आपने कंप्लीट अब क्या विचार है आगे अभी जॉब करूंगी अभी जॉब कर रही हैं या करेंगी नहीं अभी करनी है कर रही हैं किस सेक्टर में आप जॉब तलाश रहे बैंकिंग में या फिनेंस सेक्टर बैंकिंग और फिनेंस सेक्टर में तो किस तरह का कॉम्पिटिशन है उधर टफ है फाइट टफ तो है थोड़ा सा इधर पॉलिटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट है देखती हैं न्यूज़ वगैरह हाँ कुछ देखती हूँ कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है सब अच्छे हैं सब अपने
आजकल कही गई जो यंग जनरेशन है बड़ा सेफ खेलती है, न्यूट्रल रहने का। चुनाव हो रहे हैं इस बार यहाँ पर, तो यूथ की क्या प्रायोरिटीज़ रहती हैं पॉलिटिकल वाइज, कि ये मुद्दे हैं शायद वो छूट जाते हों, कि इन पर फोकस करने की ज़रूरत है? हाँ, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा क्रिएट करने की ज़रूरत है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की आप बात कर रही हैं? बहुत ज़्यादा है ना, तो मुझे बताइए। ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मतलब बतौर जी लड़की जब जाती है पढ़ कर के निकलती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक मुद्दा हुआ, सिक्योरिटी एक अहम बात हो जाती है। आपको लगता है अगर गुजरात की मैं बात करूँ, प्रधानमंत्री मोदी का गृह प्रदेश है, तो वहाँ पर किस तरह का माहौल है इस मामले में, क्योंकि आपने आपने अपनी पूरी पढ़ाई वहाँ से कर ली है, मास्टर डिग्री आपने कर ली है, तो कैसा आपको ओवरऑल जर्नी कैसी रही? अच्छी है वहाँ से तो, लेकिन ये मुद्दा उठना चाहिए महिला सुरक्षा वगैरह। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा आगे चलेंगे, चौपाटी है यहाँ पर जैसे मैंने कहा, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ और भी लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? महिराज सिंह। यहीं से आप लोकल? हाँ। अच्छा, तो रेगुलरली आते रहते होंगे फिर तो झील वगैरह पर? थोड़ा रेगुलरली तो नहीं, कभी कभी, रोज आके क्या करें। अच्छा अच्छा, ये भी बात है, नज़रिया बदलता है। हाँ, नज़रिया तो बदलना पड़ता है जी। अच्छा, माहौल क्या चल रहा है चुनावी? चुनावी माहौल तो क्या, कांग्रेस रिपीट हो रही है। मैं आप ये ओवरऑल बात कर रहे हैं? हाँ, ओवरऑल राजस्थान की बता रहा हूँ। राजस्थान की आप बता रहे हैं। इस बार उदयपुर, ये चूँकि शहर लगता है विधानसभा क्षेत्र, तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? उदयपुर में भी अब चेंज मांगते हैं लोग, काफ़ी समय हो गया, जैसे कि पिछली बार आप देख सकते कटारिया साहब थे, अब काफ़ी समय हो गया है, अब लोगों को बदलाव चाहिए। गौरव वल्लभ जी एक बहुत अच्छे प्रवक्ता भी है और एक बहुत अच्छे राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वो अगर उदयपुर से प्रमोट होते हैं और उदयपुर को आगे बढ़ाने का काम कोई कर सकता है और उदयपुर के लिए कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, तो वो सिर्फ गौरव वल्लभ जी ही कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था अभी भाई साहब बराबर में बैठे हुए, तो कह रहे थे लोकल कैंडिडेट की डिमांड है। लोकल कैंडिडेट की डिमांड है, लेकिन जैसे आप जानते हो बीजेपी में आपसी फूट बहुत ज़्यादा चल रही है अभी, हर एरिया में कोई ना कोई निर्दलीय कैंडिडेट ये वो, अभी उसी को लेके सिंघवी जी भी अभी विरोध कर रहे थे जैन साहब का, तो उन सब चीज़ों से बीजेपी को इफेक्ट पड़ेगा और गौरव वल्लभ जी को बहुत आसानी होगी, कांग्रेस को आसानी होगी सीट निकालने के लिए। ठीक है, आपने कहा कि कांग्रेस रिपीट करेगी, क्या वजह, मुख्य वजह क्या नज़र आ? मुख्य वजह ये है कि अशोक गहलोत जी ने जो काम किए गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, जो आप चिरंजीवी योजना देख लीजिए, गरीबों के लिए राशन की योजना देख लीजिए, 8 रुपये में एक गरीब आदमी को खाना मिल रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज के समय में एक गरीब जो मजदूर होता है वो 8 रुपये में खाना खा के अपना पेट भर रहा है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो बट ऑफ कोर्स कांग्रेस रिपीट हो रही है। मैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कहीं कार्यकर्ता समर्थक तो नहीं है? मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन एक हकीकत जो है वो बता रहा हूँ। कई पॉइंट्स हैं, मैं आऊँगा। आपका नाम क्या है भाई साहब? हर्षवर्धन सिंह राठौर। आप क्या करते हैं? मैं अभी BLLB का स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर, 5th ईयर। लॉ कर रहे हैं? लॉ कर रहे। क्या माहौल लग रहा है चुनावी? चुनावी माहौल तो यही है कि जो अच्छा व्यक्ति है कैंडिडेट उसे ही हम वोट करेंगे, और मेरा जो क्षेत्र है वो मावली से। हाँ, तो नेता कैसा भी हो पर आदमी अच्छा होना चाहिए, तो काम जो करेगा उसे ही हम वोट देंगे, और बेसिकली मैं कांग्रेस के साथ ही हूँ, तो कांग्रेस सपोर्टर ही हूँ। कांग्रेस के साथ हैं, समर्थक हैं या कार्यकर्ता है? कार्यकर्ता नहीं हूँ, कार्यकर्ता मैंने आपको जैसे बताया, मैं BLLB का स्टूडेंट हूँ, तो समर्थक हैं। ठीक है, काम जो करेगा हम वोट। देखिए, एक परसेप्शन ये क्रिएट हो रहा है कि भाई देखिए चुनाव आया, 4 साल तो लड़ाई कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी चलती रही, और अब जब चुनाव आया तो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। ऐसा नहीं है, काम करना महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से, मेरी दृष्टि में तो यही है कि अगर आप काम कर रहे हो, आपने जॉब से निकाली है, और हम स्टूडेंट हैं, आज के टाइम पे स्टूडेंट को तो वैकेंसीज और इनसे ही मतलब है। देखो, मैं अगर अपने वोट दे रहा हूँ तो मैं अपना स्वार्थ एक बार देखूंगा कि मुझे एजुकेशन अगर मिल रही है, सब मिल रहा है, तो कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसा कि आपने कहा लड़ाई चल रही है, तो आपसी मन मुटाव तो हर घर में होते हैं, हर परिवार में होते हैं, लेकिन उसे बैठ के ही समझौता किया जाता है उस चीज़ का, तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने किया, आपस में बैठ के समझौता किया और मिल के लड़ रहे और मिल के जीतेंगे। अरे, आप कह नहीं रहे हैं कि मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन आपकी बातें जो है ना एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह नज़र आ रही। मावली के आप बात कर रहे थे, मावली के मुद्दे क्या हैं उस विधानसभा क्षेत्र के, ज़रा बताइए? मुद्दे तो क्या ही है, अब आप देखा जाए तो कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो यही है कि अब मैं उस क्षेत्र में, अब मैं यहाँ रहता हूँ उदयपुर में, तो मैं अगर ओवरऑल देखा जाए तो राजस्थान में मैं कांग्रेस को ही समर्थन दूंगा, मेरी तरफ से तो कांग्रेस को ही एक बड़ा रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो लगातार यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं, आप देखिए शाम का वक्त हो चुका है
और लोग जो हैं अपना रिलैक्स कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं। यहाँ पर कुछ और लोग फ्रेंड्स फैमिलीज यहाँ पर हैं, उनसे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। युवा भी कुछ लोग हैं तो थोड़ी सी बात ज़रा कर लेते हैं। और ये चेयर ले लूँ मैं क्योंकि थोड़ा समय लगेगा बात करने में। भाई साहब क्या नाम है दोस्त आपका? केशव। केशव आप यहीं से हैं या बाहर से आए? चित्तौड़ से हम। यहीं चित्तौड़ से? हाँ चित्तौड़ से। मैं भी आ रहा हूँ कुछ चुनावी कवरेज कर। गाड़ी देखी थी मैंने। अच्छा चित्तौड़ में मेरी गाड़ी देखी थी। ओके तो इस बार वहाँ पर हमारी बात हुई थी क्या? नहीं वहाँ नहीं हुई। अच्छा अच्छा चित्तौड़ में क्या माहौल है ये बताइए। किसको ले गए? चुनाव को लेकर। मैं तो भैया गवर्नमेंट जॉब में हूँ, इनसे पूछा। अच्छा गवर्नमेंट जॉब में है, किस कौन सी नौकरी में? टीचर हूँ मैं, फिजिकल टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर। टीचर्स फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं आप। टीचर भर्ती वगैरह इस बार बड़ी संकट में रही, पेपर बड़े लीक हुए, इस पर जनरल एक कोई विचार आपका? नहीं ठीक है वैसे, सब अच्छा ही है। पेपर लीक अच्छा बता रहे हैं आप। नहीं पेपर लीक को नहीं बता रहा मैं, अच्छा लेकिन जो है वो बढ़िया है हमारी तरफ से। चलिए आपका क्या नाम है? आशुतोष। आशुतोष आप भी चित्तौड़गढ़ से? राजसमंद से हूँ। राजसमंद से। तो आप लोग दोस्त हैं? ये भाई है। अच्छा अच्छा भाई हैं। तो यहाँ पर घूमने का प्लान किया? जी क्या दिवाली है इस। अच्छा अच्छा तो राजसमंद अगर बताइए क्या इस बार लग रहा है चुनावी माहौल? माहौल तो अभी ठीक ही चल रहा है अभी तो हमारे उधर तो। ये बताइए राजस्थान में सरकार का एक परसेप्शन क्या है युवाओं के बीच में, चाहे ये सरकार रही हो? थोड़ा सा ऐसे थोड़ा डरिए मत कि सरकार के बारे में कुछ बोल दें, पिछली सरकार हो इन जनरल कैसी सरकारें रही हैं यहाँ पर? जॉब वगैरह अगर देखा जाए तो एट प्रेजेंट जो है अच्छा चल रहा है। अच्छा राजस्थान के अंदर अगर जॉब के अकॉर्डिंग देखा तो अभी काफ़ी सारी वैकेंसी धीरे धीरे निकाले जा रहे हैं। 1,00,000 नौकरी देने की बात, 1,00,000 वैकेंसी निकालने की बात की थी, वो सब निकले जा रही है अभी। मतलब एट प्रेजेंट जॉब के हिसाब तो ठीक है, आगे क्या होता है वो तो आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन पेपर लीक का मसला है जो पेपर लीक तो गलत है, वो तो ऑफकोर्स गलत ही है। पॉलिटिकल मुद्दा भी बन रहा है, एक तरफ गहलोत सरकार कह रही है देखिए हमने तो तमाम जो आरोपी हैं उसको पकड़ लिया, दूसरी तरफ विरोधी कह रहे हैं, प्रतिद्वंदी राजनीतिक प्रतिद्वंदी कह रहे हैं कि भाई हो क्यों रहा है। तो अभी कन्फ्यूजन नहीं लगता क्या? बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि उन्होंने कह दिया पेपर लीक नहीं होना चाहिए, गलत है जो गलत है। नई सरकार भी आए तो भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि पेपर लीक के लिए कुछ करे, मतलब कुछ रिफॉर्म लाए ऐसे अपने लेवल पर। रिफॉर्म्स कानून भी लेकर आई गहलोत सरकार उसके लिए, लेकिन अभी वो मुद्दा चूँकि चुनाव है, अब चुनाव में हर मुद्दे जो हैं वो गरमाते रहते हैं। एक दिवाली का मौका है लेकिन उदयपुर में आप हैं तो मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, एक साल पहले एक घटना हुई यहाँ पर कन्हैया हत्याकांड। तो आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें और फिर उसका पॉलिटिसाइज होना, उस पर यूथ क्या सोचता है? मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, एक गलती हुआ है जो हुआ है, ऑफकोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री आए थे उन्होंने भी उस बात का जिक्र किया, किसी के साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि मरा तो गलत ही है, आप किसी भी तरीके से देखो गलत गलत ही होता है कहीं से भी देखो। चलिए क्या करते हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं? अच्छा अच्छा राजसमंद में ही कर रहे हैं अभी, मतलब अभी ख़त्म हुआ है मेरा MBBS। अच्छा MBBS कम्प्लीट आपने कर लिया? ओके तो आप आगे पढ़ाई जारी रखने का? बताइए खुलकर बोलिए, इतना पॉलिटिकल करेक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है, बड़ी कैजुअल कवरेज है हमारी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पॉलिटिकल करेक्टनेस वाला आदर्शवादी बनकर जवाब देंगे तो चलेगा। अभी जॉब कर रहा हूँ मैं अनंता के अंदर। अच्छा ओके तो क्या चैलेंजेस वगैरह क्या एजुकेशन माफ कीजिएगा स्वास्थ्य के इस क्षेत्र में? एक और आपने कहा MBBS आप कर रहे हैं राइट टू हेल्थ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है बात करने के लिए क्योंकि गहलोत सरकार उसको लेकर आई, तमाम डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल हुई थी उसके बाद में सब कुछ सही हो गया, उन्होंने मांगे मान ली जिससे उनको दिक्कत थी वो चेंज कर दिया तो अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मांगे मान ली गई लेकिन एक तब ये चीज़ आई सामने कि इमरजेंसी क्या है ये कैसे डिफाइन होगी, तो आपको क्या लगता है इमरजेंसी क्या होती है उसके अंदर? इमरजेंसी के अंदर वो डॉक्टर खुद डिसाइड करेगा, इमरजेंसी है नहीं ऐसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसे पेशेंट आएगा तब पता चलेगा, वो बिना उसके कैसे पता चलेगा। इसी बात को लेकर विरोध हो रहा इस 2-3 छोटे छोटे पॉइंट थे वो क्लियर हो गए, अब सब खुश है, अब ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जो मैं जितना जानता हूँ इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, बट क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ इतना, लेकिन हाँ जितना मुझे नॉलेज है अब सब खुश है एट प्रेजेंट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? अक्षय शर्मा। अक्षय शर्मा आप भी भाई वगैरह हैं या फिर अलग हैं दोस्त वगैरह? ये मेरे सीनियर है। अच्छा। हम एक ही वी प्ले सेम गेम, हम गेम खेलते तो अब वो हम कौन सा गेम? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल आप लोग खेलते हैं? हाँ। अच्छा और पढ़ाई वगैरह क्या करते हैं? बीटेक करता हूँ मैं, इधर उदयपुर से ही करता हूँ, CTI कॉलेज से। CTI कॉलेज कौन सा ईयर?
थर्ड ईयर। स्ट्रीम मैकेनिकल। मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, तो अभी दिवाली पर क्या, दिवाली पर और कुछ क्या कार्यक्रम है यहाँ घूमने के अलावा? दिवाली पे कार्यक्रम तो कुछ नहीं, अब घर पे जाने हैं मेनली। तो चलिए घूमने के हिसाब से तो नहीं था। थोड़ा तो बताइए यूथ की इस वक्त क्या आस्पेक्ट्स हैं चुनाव को लेकर भी, और क्या मुद्दे हो सकते हैं इन जनरल? अभी यूथ के कंसर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ, मेनली तो जॉब है जी, जॉब से रिलेटेड ही हो सकता है, क्योंकि यूथ को अब चाहिए ही जॉब, बिकॉज इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट कम है। अगर वो होगा तो वैसे भी अच्छा ही रहेगा। अच्छा ये बताइए, ये बात तो हर बार चुनाव में होती है, हर बार आते हैं वो भी कहेंगे कि हम तो जॉब दे रहे हैं, इतने लाख जॉब दे दी, इतने करोड़ जॉब दे दी, वादे हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं क्या? पूरे नहीं हो रहे, इसलिए तो सरकार भी कहाँ रही है। अच्छा कौन सा नेता अच्छा लगता है आपको? तुलनात्मक उससे नहीं पूछ रहा हूँ, एक परसोना किस नेता का अच्छा लगता है? मुझे बीजेपी सपोर्ट ही करता हूँ, मतलब बचपन से ही, मतलब बीजेपी को ही देखा है, बट ऐसा कुछ भी, मतलब हम एजुकेटेड लोग हैं, जो भी कैंडिडेट अगर जो अच्छा रहेगा उसी को ही देंगे, हम ये देख के नहीं देते कि पार्टी क्या है वो क्या है, बट हाँ जो अच्छा कैंडिडेट है, जो डिजर्विंग है, उसी को ही देते हैं। जो आप कहना चाह रहे हैं कि एक माहौल रहा है एक पार्टी को समर्थन करने का, लेकिन अब वो विचार बदल रहा है कि कैंडिडेट देखकर जो है वोट किया जाए। सारी पार्टी अभी तो अच्छी बनेगी, बाद की बात है वो तो जी। पहला साल तो सभी अच्छे ही करेंगे, उससे पहले, क्योंकि ये तो प्रिपरेशन टाइम है, प्रिपरेशन तो सभी अच्छी करते हैं, रिजल्ट होना चाहिए, वो तो क्या है बाकी का। ऐसे ओवरऑल किस भाई ये पार्टी है, इसकी नीति, क्योंकि कुछ चीज़ें अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें चल रही हैं, तो ये इस राज्य में ये अच्छी चीज़ नज़र आती है, यहाँ पर ये अच्छा नज़र आता है, कुछ ऐसा कुछ माइंड मेकअप हो पाया? यहाँ पे टूरिज्म है, टूरिज्म का देख रहे हैं अब। खैर मैं यहाँ पे इतना रहता नहीं हूँ, मैं चित्तौड़गढ़ में रहता हूँ, हम साथ ही रहते हैं, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर भी वैसे अभी बहुत काम हुआ है और बहुत कुछ होना बाकी भी है, बट एज पर नोटिसिंग हम हमारी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पढ़ाई पर युवाओं की भी कई मांगे हैं, हालांकि थोड़ा सा कैमरा और माइक देखकर लोग डर जरूर जाते हैं, सोचते हैं कोई ऐसा उल्टा सीधा सवाल ना पूछ ले और उल्टा सीधा जवाब ना निकल जाए, लेकिन कैजुअल बातचीत में हम कोशिश कर रहे हैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। युवाओं के कई मुद्दे हैं। दोस्त नाम क्या है आपका? बैठे रहिए थोड़ा सा। अच्छा बात नहीं करना चाह रहे जी? बात करनी चाह रही है, लेकिन मैं करूँगा बात। हाँ अच्छा, ओके चलिए, इतना टिपिकल नहीं करना था। खैर आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम मौसम ताहिर है। अच्छा मौसम यहीं से हैं या बाहर से? नहीं, मैं कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से आए हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है जी। तो यहाँ पर कैसा लग रहा है माहौल ये? हाँ बहुत अच्छा है, अपना जैसा लग रहा है। जहाँ पे कश्मीर में वहाँ पे भी बहुत सारे लेक्स हैं, तो अपना जैसा लग रहा है। फतेह सागर आके लगता है कि सच में कश्मीर में। कहाँ कहाँ घूम लिया? क्योंकि ये दो तीन इस स्पॉट पर ही दो तीन चीज़ें हैं घूमने लायक, तो देखिए। हाँ, आप में थे अभी तक, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिनर करने आए। अच्छा, और आगे क्या कार्यक्रम है? त्योहार के मौसम में इसलिए आए हैं? जनरल के मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे पढ़ता हूँ। अच्छा। पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ मैं, BDS स्टूडेंट। अच्छा, मेडिकल की पढ़ाई आप कर रहे हैं? राइट टू हेल्थ, ये राजस्थान सरकार एक लेकर आई है नियम कानून, तो उस पर आपका कोई विचार है? क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? राइट टू हेल्थ जी, ऑब्वियसली होना चाहिए। हेल्थ एक इंसान के लिए सबसे पहली चीज़ होती है। जब वो इंसान एग्जिस्ट करेगा तभी उसके बाकी सारी चीज़ें हैं, तभी वेल्थ है, तभी फैमिली है, जब हेल्थ है। और मुझे लगता है कि ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए था। इसमें एक चीज़ था जो डॉक्टर्स विरोध पर आ गए थे, डॉक्टर हड़ताल चल रही थी एमरजेंसी शब्द को लेकर, क्योंकि इस कानून में कहा गया कि अगर इमरजेंसी कोई केस है तो प्राइवेट अस्पताल हो सरकारी अस्पताल हो, प्राथमिक उपचार जो है उससे मना नहीं कर सकते। ये एक बाध्यता अस्पतालों के लिए और डॉक्टर्स के लिए कर दी गई, तो इसका विरोध बड़ा डॉक्टर्स ने किया। मुझे इसकी उतनी जानकारी नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स जो जिस चीज़ के लिए विरोध कर रहे होंगे तो वो उनका कोई इशू होगा, मैं तो नहीं जानता हूँ और मैंने सुना भी नहीं है इसके बारे में विरोध। चूंकि मैं बता देता हूँ कन्फ्लिक्ट कहाँ था इमरजेंसी शब्द को लेकर, कि कैसे डिफाइन हो इमरजेंसी शब्द को लेकर, और कहा था कि अगर इसको इस तरीके से इम्पोज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये डॉक्टर्स के लिए एक ऐसा कानून बन जाएगा, काला कानून बन जाएगा, कोई भी
आरोप लगा देगा कि इमरजेंसी केस था। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें, तो फिर ये जो कॉन्ट्रडिक्शन और कन्फ्लिक्ट आता है राइट टू हेल्थ में, आपने कहा कि ये लागू होना चाहिए, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन, चूँकि आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है इमरजेंसी शब्द आप लोगों की जो पढ़ाई है उसमें डिफाइन किया गया होगा, तो मैं समझ रहा चाह रहा हूँ कि ये कॉन्ट्रडिक्शन कन्फ्लिक्ट कैसे ख़त्म होगा। ये जो आपने बोला कि राइट टू हेल्थ का जो ये अमेंडमेंट हुआ है, ये सही चीज़ है, लेकिन इसमें एक ही क्या बोलते हैं इसको, एक ही चीज़ को नहीं रखना है, इसमें दोनों को एडजस्ट करना है। एक डॉक्टर भी है इसमें और पेशेंट भी है। हम पेशेंट को ये हक नहीं दे रहे, हम दोनों को दे रहे, दोनों एडजस्ट होने चाहिए, दोनों के राइट्स इसमें एडजस्ट होने चाहिए। वो है कि डॉक्टर को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर की अपनी पर्सनल लाइफ पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए कि आपने इमरजेंसी पे कोई ऐसा केस आया तो उसमें वो हैंडल नहीं कर पाया तो उस पर कोई केस आ गया। पेशेंट पे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि उसको डॉक्टर हैंडल ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऐसा राइट है, राइट है, ये सही चीज़ है, लेकिन उसमें दोनों इंक्लूड होनी चाहिए, दोनों के लिए कम्फर्टेबिलिटी होनी चाहिए। चलिए ठीक है, सोशल सिक्योरिटी इसको लेकर ये राजस्थान सरकार बात कर रही है कि सोशल सिक्योरिटी हो, इस पर क्या विचार है? यूथ भी हैं, आप मेडिकल की पढ़ाई भी कर रहे हैं, कोई भूखा ना मरे, कोई इलाज के अभाव में ना मरे, इसके लिए एक कानून बनाना। विरोधी कह रहे हैं कि भाई आप तो फ्री में रेवड़ी बांट रहे हैं क्योंकि चुनाव है, तो सोशल सिक्योरिटी की टर्म जब आती है और फिर उसको रेवड़ी कह दिया जाए, हर एक राज्यों में हो रहा है कि जहाँ पर सत्ता पक्ष में कोई है तो वो ऐलान कर रहे हैं। अगर सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें, ये सारे मुद्दे इलेक्शन के टाइम पर उठाए जाएंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अपोजिशन इस बात पे बात करेगी, लेकिन अगर अपार्ट फ्रॉम इलेक्शन के टाइम के बगैर, इतने पाँच साल होते हैं, पाँच साल में कभी भी ऐसा मुद्दा उठाया जाएगा और राइट दिया जाएगा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा तब भी बहुत अच्छी बात है, अभी भी अच्छी बात है, लेकिन मसला ये है कि अपोजिशन इसमें जाग जाती है, बोलेंगे कि आपने इलेक्शन की बेसिस पे ये किया, ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें वो पॉलिटिकल फिर आता है ना, पॉलिटिकल एस्पेक्ट जहाँ आ जाता है तो वो चीज़ों को फिर थोड़ा पॉलिटिसाइज कर देता है और उसके प्रति नज़रिया बदलने लगता है, उसकी वजह से फिर जो लोग हैं, आम जनता है, वो भी उसको अपनाने में थोड़ा सा ये हो जाती है, कॉन्शियस हो जाती है कि क्या इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए हम पे कि नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या पता ये प्रोपेगेंडा हो या कुछ हो, या इसमें अंदर से खोखला हो या कुछ हो ही नहीं अंदर से, क्योंकि ये पॉलिटिकल हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल इशू बन गया है ये। सरकार को चाहिए कि वो इन सारे रूल्स को इलेक्शन के टाइम पर नहीं, पाँच सालों में जितना उनको टाइम मिलता है उनमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि फिर लोगों को भी भरोसा हो जाएगा, वो उनको फिर कोई प्रोपेगेंडा या फिर कोई ऐसा करना नहीं ना पड़े फिर इलेक्शन के टाइम पे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई, लेकिन आप जम्मू कश्मीर से हैं, यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, आपने इस साल भर पहले जो यहाँ पर एक हत्याकांड हुआ उसके बारे में सुना होगा, उस तरह की चीज़ें, चूँकि आप यूथ भी हैं, उस पर एक आपका कॉमेंट मैं चाहूँगा। वो दुनिया में कहीं पर भी, कहीं पर भी, कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, कहीं भी जगह हो, वहाँ पे ऐसी 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 कोई चीज़ हो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ना ही हिंदू, ना ही मुस्लिम, कोई इंसान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे कितना भी बड़ा इशू हो, क्या भी रीज़न हो, कोई इंसान इसको नहीं चाहेगा कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं। वो एक बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ थी मेरे हिसाब से, मेरे अपने पर्सनल हिसाब से, वो सबके लिए भी होना चाहिए, वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो और कोई भी मजहब से हो, वो एक गलत बात थी और है, वो हमेशा रहेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैंने आपका थोड़ा समय बर्बाद कर दिया, आप इन्जॉय कर रहे थे अपना मील और मैंने डिस्टर्ब किया, चलिए थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो चौपाटी यहाँ पर है, सामने फतेह झील है, फतेह सागर झील यहाँ पर है और हम पहुँचे उदयपुर। उदयपुर में लोगों का चुनावी मिजाज जाना, जो ये लेक भी हमने यहाँ पर घूम ली है और यहाँ पर जो यूथ और जो लोग परिवार समेत आए थे, गुजरात, बाकी अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, दिवाली का त्यौहार है, लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। हम सड़कों पर हैं, जान रहे हैं राजस्थान में कौन जीत रहा है। कैमरामैन साथी राहुल देव के साथ TV9 राजस्थान के लिए मैं भविष्य त्यागी। I really like it, yeah. स्टेबिलाईजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबिलाईजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी, इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबिलाईजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबिलाईजर के साथ। V-Guard, India's number one स्टेबिलाईजर। का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस, वेट वेट वेट, वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।